बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्या हाल है आप लोगों के? दुआ यही है कि आप जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें और अपनी सोच को पॉजिटिव के साथ करते हुए, मद्देनजर रखते हुए अपने दिन का आगाज करें। आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सलमान गनी साहब, चीफ रिपोर्टर है नवाई वक्त के। इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गनी साहब, कैसे हैं? दोस्त मेरा कह रहा था कि हमारे यहाँ 80% आबादी तकरीबन 75 से 80% इलिटरेट है, गाँव में रहती है, रूरल एरियाज में। उनको दोपहर का खाना, रात का खाना उन्हें नहीं पता होता, सुबह जब उठते हैं उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जब इलेक्शन होते हैं, अगर उनको कोई खाना ऑफर कर दे या कोई आटे की बोरी दे दे या कोई अच्छा काम कर दे, तो वो उसी को वोट दे देते हैं। और इसकी वजह से ये जो हम कहते हैं कि जी जमहूरी हुकूमत, ये सही मानों में पीपल की, लोगों की रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकती। ज़रूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। आप एग्री करते हैं इसे? देखिए, आपने जो बात की है ये आज का सबसे बड़ा मसला है। बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की है, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि 75% या 80% लोग एक वक्त के खाने में जो किसी को वोट दे देते हैं। पाकिस्तान के अवाम बड़े बाशऊर हैं, उन्होंने हमेशा अपने वोट का इस्तेमाल दुरुस्त किया है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आप 1970 में देखें कि रुझान क्या था, लेकिन कौम ने इत्माद जुल्फकार अली भुट्टो से किया था बिल्कुल। और कौम ने हमेशा अपना वजन जो है वो अहले सियासत के पलड़े में डाला है। अहले सियासत अपना वजन कहाँ डालते हैं वो आप देख ले। आम आवाम की जो एक्सपेक्टेशंस थी गवर्नमेंट, आई थिंक मेरे ख्याल में अगर मैं ये कहूँगी तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड इस सेंस में कि महंगाई इतनी बढ़ गई। गवर्नेंस की अगर बात हो तो पहले आम जगहों पर टारगेट किया जाता था, अब मज़ारात को टारगेट किया जा रहा है। मैं सिर्फ थोड़ी सी गवर्नेंस की, फारूक ने बात की है, तो अगर आपको पता है कि पहले दाता दरबार पर हुआ, फिर अब्दुल्ला शाह गाजी पे हुआ, थ्रेट्स मिल रहे थे कि यहाँ पर भी हो सकता है, तो क्यों नहीं सिक्योरिटी टाइट की गई कि इस तरह का? और लोगों की एक्सपेक्टेशंस की जो बगैर से बात आपने की थी, उसमें ये भी है कि जब शुरू में वजीर आजम आए, ने तमाम पार्टीज ने सपोर्ट किया। पहली दफा तारीख में हुआ ना, अपोजिशन कहां सपोर्ट करती है? और इतनी ज्यादा अवामी कुव्वत के साथ आना और फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस यहां पे होना और फिर वो मीट ना होना, तो ये तो पहले जो सुंदस ने बात की है कि जी ये चूंकि खतरात और खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि पाकपटन के मजार पर भी ऐसा वाकया हो सकता है। देखें, एक बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो पुलिस की ट्रेनिंग है वो नहीं है, और ख़ास तौर पे दहशतगर्दी और तकरीबकारी से निबटने के लिए जिस सलाहियत की, जिस असले की ज़रूरत और जिस तरबियत की ज़रूरत है वो नहीं थी। लेकिन ये सब कुछ होता है एक विल के साथ। और बात यह कि हमारे यहाँ दाता दरबार के भी आपको याद होगा कि पहले से इस तरह के खतरात की बात की जा सकती थी। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमारे जो ये इंतज़ामी अदारे हैं, इनका सियासी इस्तेमाल बंद होना चाहिए। आप देखें कि इसी लाहौर के अंदर जो हमारी एलीट फोर्स है, उसका काम क्या है कि दहशतगर्दी का सदेबाप करना है, लेकिन उसकी अक्सरियत जो है, उस एलीट फोर्स की अक्सरियत प्रोटोकॉल ड्यूटी वो तकरीबन 1000 के बाद ये कि जब तक 900 जो है, जब तक आप अदारों को उनके असल मकासद तक महदूद नहीं करेंगे, जवाबदेही हो नहीं सकती। कराची में भी एक खास एजेंडे के तहत काम किया जा रहा था, कुछ कुवतें ऐसी थी जो काम करी थी। अभी थोड़ा सा थमा है काम टारगेट के लिंक का, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। एक बड़ी क्रिटिकल मीटिंग जो दो दिन पहले गालिबन हुई, जिसमें रहमान मलिक साहब थे, डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब थे, दूसरी तरफ से एमकेएम के रहनुमा भी मौजूद थे, वो हुई और लंबी मीटिंग थी। और उसके बाद से कुछ हालात में कदरे तब्दीली देखी गई, गो के बिल्कुल सही नहीं हुए। तो आप क्या समझते हैं कि अब कुछ बेहतर हो जाएगा कराची के हालात? आपने ये क्वेश्चन किया है और बर्निंग इशू मैं समझता हूँ आज भी यही है। चूंकि कराची के हालात बेहतर नहीं होंगे तो उसके असरात पाकिस्तान पे पड़ेंगे। कराची मिनी पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान का मौशी हब भी है। कराची के लोग बड़े बाशऊर हैं। बात यह कि कराची में टारगेट किलिंग अब का मसला नहीं है, ये तो कई महीनों से चल रही है। और आप ही कई प्रोग्राम कर चुके हैं और मैं हर प्रोग्राम में ये कहता रहा हूँ कि आप देखें कि एक ब्लेम गेम शुरू है। एएनपी एमक्यूएम पे इल्ज़ाम लगा रही है, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी पे, पीपल्स पार्टी एमक्यूएम पे, ये सारे वहाँ हुकूमत का हिस्सा है। देखें, बात यह कि जब आपस में वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, वही लोग बैठ के जब फैसला करेंगे तो फिर
कानून की हाकमियत कायम नहीं होगी, थोड़ा सा इससे वसी होना पड़ेगा। देखें कराची में यही तीन पार्टीज नहीं हैं, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि आप कुछ चीज़ें तय कर लें। बात यह कि आपको एक ज़ाब्ता अखलाक बनाना पड़ेगा, अच्छी बात है, पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी है। कराची के हवाले से मेरी पक्की राय है कि आप देखें कि पीपल्स पार्टी को तो माजी में भी हाथ लगे हुए हैं, बेनजीर भुट्टो की दो हुकूमतों का खात्मा कराची के हालात की वजह से हुआ था, और अब भी जो सूरत हाल कराची में बनाई जा रही है इसमें असल लूजर जो है वो पीपल्स पार्टी होगी। थैंक यू सो मच गनी साहब, लेकिन अब लेट्स सी कि लोगों को, आम आवाम को कब रिलीफ मिलता है, क्योंकि हम लोगों को तो आवाम की फिक्र है कि आवाम ने नॉमिनेट और इलेक्ट किया गवर्नमेंट को, और वो अगर नहीं मेयार पे पूरा उतरी तो फिर क्या सूरत हाल होगी। गनी साहब से हमारी मुलाकात इसी हफ्ते में। अच्छा जी, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद डॉक्टर अब्बास रजा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बहुत सारी बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड की वॉचिंग जागो दुनिया। Jaga, 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 jaga.